प्रेज द लॉर्ड जीसस। पवित्र आत्मा, जगत की ज्योति, मेरे जीवन के मालिक, मेरे हृदय के राजा, मन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर से आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आकर आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपका आदर और सम्मान करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु, क्योंकि तू इसके योग्य है। हाँ प्रभु, तू धन्यवाद के योग्य है, तारीफ के योग्य है, बड़ाई महिमा प्रशंसा आदर और सम्मान के योग्य है। तूने आज के दिन के साथ आज की रात्रि को भी हमारे जीवन में जोड़ा है। हाँ प्रभु, तू महान है प्रभु, तेरी दया अमर है, तेरी सच्चाई महान है, तू ऊंचे पर विराजमान है, तेरे तुल्य कोई नहीं, तेरे जैसा तेरे समान कोई नहीं, किसी का काम भी तेरे काम के बराबर नहीं। तू अद्भुत है, अनोखा है, चमत्कारी है प्रभु, तू महान है प्रभु, सर्वशक्तिमान है प्रभु, तू महान है, तू बदशाहों के बदशाह है, महाप्रतापी राजा है, तू सारे देवताओं में महान है प्रभु। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु, तेरा आदर और सम्मान करते प्रभु। सहायता कर प्रभु, मदद कर प्रभु, दया कर प्रभु, कृपा कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तरह का शुद्धि ले प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू अपनी कृपा दृष्टि श्रद्धा हमारे ऊपर बनाए रखता है, तू महान है प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, सहायता कर प्रभु जी। प्रभु जी आज के शाम में प्रभु, आज की इस सुंदर संध्या काल में हमारे ऊपर दृष्टि कर प्रभु जी, और हमें पूरी तरह चेंज कर दे, बदल दे, हम जैसे हैं वैसे न रहने पाए, बल्कि पूरी तरह चेंज होने पाए, बदलने पाए, हमारा पुराना मनुष्यत्व खत्म होने पाए प्रभु, हमें नए, हाँ प्रभु हमें नए मनुष्यत्व दीजिए, धन्यवाद देते प्रभु। हम नए मनुष्यत्व को पहनने पर सहायता मदद कर, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, हमारा स्वभाव तेरे स्वभाव के जैसा होने पाए, हम पवित्र अपने आप को बनाए रखे, सहायता मदद कर हमें, हाँ प्रभु हमें वो महिमा और अनुग्रह दे कि हम तुझे भाए, हमारा काम, हमारा चाल चलन, स्वभाव, बुद्धि, व्यवहार तुझे भाए, सहायता मदद कर प्रभु, उठना बैठना लेटना बोलना तुझे भाए, सहायता मदद कर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, सहायता कर प्रभु, मदद कर, धन्यवाद देते यीशु नासरी, आपका धन्यवाद देते प्रभु। जितने बच्चे नौजवान बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने मसीह भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं प्रभु जी, उनके ध्यान और मन को एकत्रित कीजिए, उनका ध्यान तेरी हजूरी में लगने पर, उनका मन प्रार्थना में लगने पर सहायता मदद कर, ताकि प्रभु आज की प्रार्थना उनके लिए पावरफुल होने पर, सामर्थी शक्तिशाली होने पर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, आज की प्रार्थना के द्वारा उनको लाभ होने पर सहायता मदद कर प्रभु, धन्यवाद देते हैं, उनको आशीष मिलने पर सहायता मदद कर, धन्यवाद देते, सहायता और मदद कर दीजिए प्रभु, धन्यवाद देते। मेरे प्रियो, आइए हम पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय की उसका 3 पद के वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हमें प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है, हालेलुया, आज इस सुंदर शाम के वक्त, इस सुंदर संध्या काल के वक्त, आज रात्रि में प्रभु क्या कह रहे हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन हमें क्या सिखा रहा है, प्रभु का वचन सिखा रहा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने, अर्थात वह विचार से बचे रहे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 6 अध्याय की उसका 18 पद के वचन को पढ़ेंगे, तो इसमें भी लिखा है, वे विचार से बचे रहो,
क्योंकि जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु वे विचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध में पाप करता है। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है कि देह, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, यानी कि प्रभु का मंदिर है। तुम अपने देह के द्वारा सिर्फ प्रभु की महिमा, पाप करके, बुराई करके, व्यभिचार करके, गलत काम करके, दुष्टता की काम करके प्रभु के मंदिर को नाश मत करो। नहीं तो क्या होगा? पहला क्रोधियों की पुस्तक 3:17 में लिखा है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, मेरे प्रियो, लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम्हारा देह तुम्हारा नहीं है, प्रभु का है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने देह को पवित्र बनाओ। हालेलुया, पाप बुराई करके अशुद्ध मत करो। लिखा है प्रभु अशुद्ध होने के लिए नहीं, शुद्ध होने के लिए बुलाया है। अपवित्र होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाया है। अपने आप को पूरी तरह पवित्र बनाए रखो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु का अनुग्रह और महिमा आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप अपने आप को पवित्र नहीं बनाए रखोगे, पाप करोगे, व्यभिचार करोगे, बुराई करोगे, गलत काम करोगे, दुष्टता के काम करोगे, जो प्रभु की दृष्टि में घृणित है वही करोगे, जो प्रभु को नहीं भाता है वही करोगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु क्या करेगा? दंड देगा, क्योंकि आप ऐसा करके प्रभु के मंदिर को नाश करते हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो प्रभु छोड़ेगा नहीं, तुम्हें नाश कर देगा। हालेलुया, प्रभु खुद कहता है 1 कुरिन्थियों की पुस्तक 3:17 में कि जो कोई प्रभु के मंदिर को नाश करेगा प्रभु उसे नाश कर देगा। परमेश्वर का मंदिर कोई और नहीं, हम हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर हो, सम्मान हो। लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते, सहायता और मदद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते, मेरे प्रियो, किसी प्रकार का पाप मत कीजिए। दारू पीना, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अनेक प्रकार के नशा का सेवन करना पाप है। गाली गलौज करना, मारपीट करना पाप है। प्रार्थना न करना भी पाप है। हालेलुया, प्रभु के वचन के ऊपर विश्वास न करना भी पाप है। प्रभु के वचन को तुच्छ जानना पाप है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी चीज की लालच करना पाप है, बुराई करना पाप है, किसी के प्रति अपने अंदर डाह रखना, ईर्ष्या करना, क्रोध गुस्सा करना, नफरत करना पाप है, धोखा देना पाप है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। शरीर और संसार के अभिलाषा में फंसे रहना पाप है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, मेरे प्रियो, पाप मत कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पूरी तरह अपने आप को पवित्र बनाए रखिए ताकि प्रभु का अनुग्रह और महिमा आपको मिले। हालेलुया, आप चाहना वाला रहे, प्रभु की ओर से हर प्रकार के आशीष जब चाहे प्राप्त करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है? जो अन्य पाप मनुष्य करता है वो शरीर से बाहर है, परंतु वे विचार अपने ही शरीर के विरोध में करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमें प्रभु क्या किया है? अपने लहू को देकर, खून को देकर मोल लिया है, खरीदा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जैसे हम पहले थे वैसे नहीं है। प्रभु अपने लहू से हमें धोकर पाक पवित्र किया है, शुद्ध किया है। तो फिर से अपने आप को अपवित्र मत कीजिए, अशुद्ध मत कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पवित्र बनाए रखिए ताकि जब प्रभु आए तो आप उसके सामने खड़े हो सके और उसके साथ उसके राज में जा सके, उसके संग रह सके। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय पाइए, किस पर? पाप के ऊपर।
पाप के ऊपर जय पाना है, शरीर और संसार की अभिलाषा के ऊपर जय पाना है, शरीर के हर एक काम के ऊपर, संसार के हर एक बात के ऊपर, कामों के ऊपर, कार्यों के ऊपर जय पाना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जो जय पाएगा वही प्रभु के साथ रह पाएगा प्रभु के राज में। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते। प्रभु अनुग्रह कर। प्रभु जी वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों 3:17 कहता है कि जो तेरे मंदिर को नाश करेगा तू उसे नाश कर देगा। प्रभु जी अनुग्रह कर, हमें वो अनुग्रह और महिमा दे कि हमारे बॉडी के किसी भी अंग के द्वारा, भाग्य के द्वारा कोई पाप होने ना पाए। प्रभु अनुग्रह कर, खुदा धन्यवाद देते हैं, हमारे मुख से किसी के प्रति गलत शब्द निकालने ना पाए, हम पाप की ओर जाने ना पाए, हमारा ध्यान, हमारा मन व्यर्थवाद की ओर लगने ना पाए। सहायता मदद कर, खुदा आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते। प्रभु सहायता कर, प्रभु जी प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु हमें ओ महिमा और अनुग्रह दे कि हम अपने आप को पूरी तरह पवित्र बनाए रखें, हम अपने आप को वैसा बनाएं जैसा आपको भाता है। प्रभु धन्यवाद देते, सहायता मदद कर खुदा, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे अंदर बदलाव आना, ये हमसे नहीं होगा, आपसे होगा। प्रभु जी आप पे अपने हाथों में उठाइए। प्रभु जी हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, होने दे प्रभु, एक बार फिर से अपने हाथ में हमें उठा और अपनी इच्छा में ढाल दे। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु हम घटे और आप हमें बढ़ते चले जाए। सहायता मदद कर खुदा, प्रभु सहायता कर। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर हो, सम्मान हो, सहायता और मदद कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ बड़ाई आदर और सम्मान करते। सहायता कर प्रभु, यीशु राजा धन्यवाद देते, राजाओं के राजा धन्यवाद देते, प्रभु के प्रभु धन्यवाद देते, होली स्पिरिट पवित्र आत्मा धन्यवाद देते। सहायता कर प्रभु, धन्यवाद देते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते। हालेलुया, मेरे प्रियो मूर्ति पूजा मत कीजिए, पराय देवता के पीछे मत भागिए। हालेलुया, पराय देवता की उपासना मत कीजिए, अपने सर को मूर्ति के सामने मत झुकाइए, सूरज चंद्रमा के सामने मत झुकाइए। हालेलुया, मूर्ति पूजा भी व्यभिचार के समान है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, प्रभु क्या करेगा? हालेलुया, दंड देगा, ताड़ना देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते। सहायता कर, मदद कर, सबों के जीवन को छू ले ताकि सबों का जीवन पूरी तरह चेंज हो जाए, बदल जाए। प्रभु जो गाली गलौज करने वाले, मारपीट करने वाले, जो महान पिता परमेश्वर दुष्टता की काम करने वाले, गलत काम करने वाले, प्रभु उनको छू ले ताकि वो चेंज हो जाए, बदल जाए। खुदा धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते। प्रभु हम तेरा मंदिर है, होने दे प्रभु इस मंदिर में तेरा पवित्र आत्मा वास करने पाए, ताकि प्रभु तेरी इच्छा में हमें चलाने पाए। सहायता मदद कर, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते। प्रभु धन्यवाद देते हैं, अपनी रूह और माशा से हमें अभिषेक कर। खुदा धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु जिनको प्रार्थना करने की अनुग्रह चाहिए, वचनों को पढ़ने की अनुग्रह चाहिए, उनको तू प्रार्थना करने की अनुग्रह दे, आत्मा दे प्रभु, वचनों को पढ़ने की अनुग्रह दे, आत्मा दे प्रभु जी, और वचन पर, हाँ और वचन पर चलने की, वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने की सामर्थ्य, बल दे, ताकत, बुद्धि के समझ दे। प्रभु धन्यवाद देते, सहायता कर। प्रभु आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप को शुद्ध बनाए रखना चाहते हैं, हालेलुया, अपने चाल चलन को पवित्र बनाए रखना चाहते हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो वचन से आप ही बना सकते हैं। हाँ, प्रभु के वचन के द्वारा आप अपने चाल चलन को शुद्ध बना सकते हैं, अपने आप को पवित्र रख सकते हैं। जैसे प्रभु का वचन कहता है करने के लिए वैसे कीजिए, जो कहता है वो कीजिए, जैसे रहने के लिए बोलते हैं वैसा रहिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो। मेरे प्रियो, जब आप अपने आप को पूरी तरह पवित्र बना करके रखेंगे, प्रभु आपसे बातें करेगा, हाँ आप प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप प्रभु का भय खाएंगे तो प्रभु के भेद को जानेंगे,
प्रभु की इच्छा क्या है आप जानेंगे, प्रभु बताएगा। हालेलुया, प्रभु की योजना क्या है, प्रभु करना क्या चाहता है, प्रभु आपको बताएगा। हालेलुया, प्रभु का भय खाइए, प्रभु से डरिए, प्रभु के सामने थरथराइए, प्रभु के भेद को जानिएगा, प्रभु की इच्छा को जानिएगा। कोई किसी के मन की बात को नहीं जान सकता है, लेकिन अगर आप पे प्रभु का भय खाएंगे तो आप प्रभु के मन की बातों को जानेंगे, प्रभु की योजना को, प्लान को जानेंगे, प्रभु के भेद को जानेंगे, प्रभु की इच्छा को जानेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति पर सबका धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा को था, धन्यवाद देते, सहायता और मदद कीजिए प्रभु। पूरे दिन आप संभाले, पूरे रात भी संभालिए, अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून वाली नींद दीजिए, चैन शांति की नींद दीजिए प्रभु, सबों को समृद्धि दीजिए प्रभु, सबों के जीवन में प्रभु चैन दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, सहायता कर प्रभु, हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमारी आशा आपसे है प्रभु, हमें बचा प्रभु, हर पाप से, बुराई से, शरीर और संसार के अभिलाषा से प्रभु हमें बचा, सहायता मदद कर, एक एक नौजवानों को अपने छत्र छाया में पाल, एक एक बच्चों को अपने छत्र छाया में पाल, एक एक बड़े बुजुर्गों को, एक एक मसीह भाई बहनों को अपने पनाह में रख खुदा, ताकि सब प्रभु जी पवित्र रहे, शुद्ध रहे, स्वर्गीय पिता पाक रहे खुदा, और तेरे दृष्टि में अनमोल ठहरे, धर्मी ठहरे, और जब तू आए तो तेरे सामने खड़े हो सके, और तेरे साथ तेरे राज में जा सके, और तेरे संग रह सके, सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, होने दे प्रभु जी आज इस सुंदर शाम के वक्त, ए भाई, ए बहन, ए बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, आपसे जो कुछ भी अपने लिए या दूसरों के लिए मांग रहे हैं, आप इनके मांगों को पूरा कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सहायता कर प्रभु, हर एक की प्रार्थना विषय का उत्तर तू हाँ आमीन में दे, प्रार्थना निवेदन का उत्तर तू हाँ आमीन में दे, सहायता कर प्रभु। कमेंट के माध्यम से जो लोग अपने प्रार्थना निवेदन को दिए हैं, प्रार्थना विषय को दिए हैं, उनके दिए हुए प्रार्थना विषय और निवेदन को आपके सम्मुख रखता पुत्र हाँ आमीन में दीजिए। धन्यवाद करते कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुने, हमारे विनती को सुने, हमारे मुँह के वचनों को सुने, हमारे पुकारों को सुने, हमारे आवाजों को सुने और ग्रहण करके उत्तर हाँ आमीन में दिए। हाँ प्रभु, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिला, तो हमें छू करके पूरी तरह चेंज किया प्रभु जी, स्वर्गीय आशीषों से तृप्त किया प्रभु, हमारे अंदर प्रभु बदलाव को लाया, पुराने मनुष्यत्व को निकाल फेंका, उतार फेंका, और प्रभु जी नए मनुष्यत्व से हमें महान पिता परमेश्वर भारा प्रभु जी, नए मनुष्यत्व हमें पहनाया, इसके लिए रखा कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते, सहायता कर प्रभु, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते, सहायता और मदद कर प्रभु। प्रभु ये भाई, ये बहन, बच्चा, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, जहाँ से भी इस प्रार्थना को रिसीव करें, सुन रहे, वहाँ तू प्रभु जी शांति बनाए रखना, किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, तकलीफ को होने मत देना प्रभु जी, अशांति फैलने मत देना, तलवारें चलने मत देना प्रभु, सहायता करो, वहाँ कुशल बनाए रखना, सहायता कर प्रभु। धन्यवाद दे, आपकी स्तुति करते हैं, सबों के घर में आशीष दे, शांति दे प्रभु, परिवार में प्रेम एकता में मिलन की आत्मा दे, कामकाज में आशीष दे, रोजी रोटी में आशीष दे, धर्म में बढ़ोतरी दे प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते प्रभु, सबों के कमाया हुआ हिस्सा को ब्लेस कर दे, सबों के खाता के ऊपर आशीष दे प्रभु, सबों के रसोई घर को, किचनों को ब्लेस कर प्रभु, इस भाई के घर में, इस भाई के घर में जो कुछ भी है प्रभु उसको ब्लेस कर प्रभु। धन्यवाद देते, लोग अपने खाने के लिए जो राशन इकट्ठे किए हैं प्रभु जी उस राशन को ब्लेस कर, ताकि उस राशन में से लोग बहुत दिनों तक खाते पीते रहे, सहायता मदद कर प्रभु, जो घटती में उनको बढ़ोतरी में ला सको। धन्यवाद देते प्रभु, जो गरीबी में है प्रभु जी, सहायता कर उनकी गरीबी को दूर कर दे प्रभु, उनको धन की आशीष दे, हर प्रकार की आशीष है तू दे प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बढ़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते। धन्यवाद देते प्रभु, प्रभु बीमारों को चंगा कर दीजिए, जो दर्द में है, दुख में है, पीड़ा में है प्रभु, उनकी शुद्धि लीजिए प्रभु, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, आईसीयू में है प्रभु, कोमे में है प्रभु, अपने बिस्तर पर है, उनकी तू शुद्धि ले खुदा। धन्यवाद देते, ताकि वो लोग प्रभु फिर से नए जीवन को पाने पाए, सहायता मदद कर, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु, कोई भूखे सोने ना पाए, सबों को रोटी से तृप्त करना प्रभु। धन्यवाद देते, सबों को शांति देना प्रभु, सहायता मदद कर, जो बीमार है उनको चंगा कर खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले खुदा, प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांग कर कहते हैं प्रभु जी, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हर रोज प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए, प्रार्थना में शामिल होइए और शेयर भी कीजिए, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष देगा। हाँ मेरे प्रियो, जब आप पे कुछ वक्त, कुछ घड़ी, कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे, सुबह शाम प्रभु के आगे घुटने टेकेंगे, प्रभु से बातें करेंगे,
प्रभु की ओर से बहुत आयत की आशीष से पाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो, प्रार्थना को शेयर भी कीजिए। हालेलुया, अगर आपके द्वारा कोई अपने मन को प्रभु की ओर फिराता है, अपने जीवन को बदलता है, प्रभु के पीछे चलता है, मेरे प्रियो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, बरकत से भरेगा, आशीषों से भरेगा प्रभु। हाँ प्रभु चमत्कार करेगा। हालेलुया मेरे प्रियो, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए, प्रार्थना में जरूर शामिल होइए। प्रभु आपको ब्लेस करें, गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो कमेंट के जरिए आप हमें बताइए। हम आपके कमेंटों को देखते हैं, पढ़ते हैं और उसी वक्त प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु उत्तर हाँ आमीन में देगा। आपके हर एक प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय का उत्तर सही समय पर आपको हाँ आमीन में देगा। घबराइए मत, बेचैन मत होइए, निराश मत होइए। आप प्रभु की ओर से हर प्रकार के आशीषें पाएंगे। धीरज रखिए, हालेलुया, हियाव वादिए, दृढ़ हो जाइए, ढीला मत पड़िए। प्रभु हर प्रकार की आशीषें आपको देगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।